So we were discussing about the first lecture of article. We're going to discuss about the second one. Try to concentrate what I'm saying. So articles के बारे में last time मैंने आपको कुछ चीज़ें discuss की थी, कुछ general rules वगैरह बताए थे fast manner में. आज फिर से fast track पर जो है लेकर चलूँगा. तो कुछ rules हैं उनको repeat करते हैं. Articles के बारे में बताया था कि demonstrative adjective होते हैं, ठीक, और असल में ये determiners होते हैं. दो तरह के आर्टिकल्स बताए थे, डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं. डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों तरह के आर्टिकल्स होते हैं. इनडेफिनेट में आ और एन होता है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दा होता है. इसको हम आ और एन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करते हैं. आ इस्तेमाल करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आए, एन इस्तेमाल करते हैं व्हेन देयर इज़ अ वाउल साउंड. दा इस्तेमाल करते हैं, दा के दो इस्तेमाल आते हैं. पहला, इसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं. उसके अलावा बताया था मैंने कि दा को इस्तेमाल किया जाता है कि उसके कुछ ग्रामेटिकल यूजेजेस होते हैं. ग्रामेटिकल यूजेजेस को सीखना है, आज वो नहीं सीखा था लास्ट टाइम, बाकी ब्लैंक्स तो फिल करवा लिया था. बाकी मैंने आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स बताए थे कुछ, फिर दी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. तो कुछ स्पेसिफिक प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है, तो वो मैंने आपको बताया था, ओशन से पहले, समंदरों से पहले, दरियाओं से पहले, कैनाल से पहले, गल्फ या बे से पहले इस्तेमाल करते हैं, हॉले बुक से पहले इस्तेमाल करते हैं, क्लास सेवन क्लासिकल वंडर से पहले, सेवन मॉडर्न वंडर से पहले, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है. तो आगे इसके बाद बढ़ते हैं. अच्छा, फिर वो वंडर्स वगैरह की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, तो सेवन वंडर्स में मैंने बताया था कि सेवन क्लासिकल वंडर भी आपके पास हैं और कुछ सेवन आपके पास मॉडर्न वंडर्स भी हैं, दोनों तरह के हैं. तो क्लासिकल वंडर्स तो जो कि ख़त्म हो चुके हैं मैंने बताया था, और मॉडर्न वंडर्स जो अभी मौजूद हैं. तो यहाँ तक कोई मसला है किसी को तो बताएं, ये चीज़ तो समझ में आ गई थी ना लास्ट टाइम भी. अच्छा, ये लास्ट टाइम ये भी बताया था, डेजिग्नेशंस का बता दिया था ना, उससे पहले लगाते हैं. टाइटल से पहले दी लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से पहले दी लगाते हैं. अच्छा, ये टेस्ट ये तो मैंने बता दिया आपको, एम सी क्यूज टोटल 210 हैं, ड्यूरेशन वगैरह ये जो लास्ट टाइम पी एम सी सिलेबस कल लॉन्च हुआ है शाम में, तो वो सब मैंने बता दी आपको वैसे रिलेटर के बिना. फिर बायोलॉजी के, अच्छा इसमें ये है कि बायोलॉजी के जैसे मार्क्स जो एम सी क्यूज़ हैं ना, वो उसमें 65-68 किए गए, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एम सी क्यूज़ बराबर कर दिए गए 56-56, 56-56. इंग्लिश के 20 एम सी क्यूज़ रखे गए जो पहले थे, और 10 एम सी क्यूज़ लॉजिकल रीजनिंग के रखे गए. मतलब जो पहले था ना कि 80-60-40-20, तो वो ख़त्म करके इसको चेंज किया गया पैटर्न थोड़ा. तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के एम सी क्यूज़ बराबर किए गए, बायोलॉजी के तो पहले से बड़े में, इंग्लिश के 20 पहले भी थे अभी भी वैसे ही हैं, और लॉजिकल रीजनिंग है. तो ये आपका एम डी कैट का सिलेबस है, ग्रुप पे शेयर हो चुका है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा. मतलब ये उसके परसेंटेज वाइज निकाल दे रहे हैं कि कितने परसेंट हमने बायोलॉजी का सवाल पूछा है, बात वही है. आप उसको परसेंटेज को छोड़कर आप बस क्वेश्चंस देखो, उसने परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया गया उसी चीज़ को, कि ओवरऑल जो 210 सवाल हैं उसमें से बायोलॉजी के 32% सवाल आते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है. तो हमें इसे को लेना देना नहीं है. अच्छा, दी को हम इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन से पहले, शिप्स के नेम से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, कश्तियों के नाम से पहले द टाइटैनिक, द क्वीन मैरी, ये भी बताया था शायद. ट्रेन्स के नेम से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, द तेज़ गाम वगैरह. प्लानिटरी ऑब्जेक्ट से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, जितने भी, द स्काई, द सन, द मून, द मर्क्यूरी, द वीनस, द अर्थ, द मार्स. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े मुश्किल चीज़ों पे आते हैं, ठीक है. तो ये प्लानिटरी ऑब्जेक्ट ट्रेन्स और शिप्स से पहले भी जो है वो दी का इस्तेमाल करते हैं. नेशन से पहले दी का इस्तेमाल करते हैं, कॉमो से पहले. कॉमो से पहले मतलब द मुस्लिम्स, द हिंदूस, द ज्यूस, द क्रिश्चियंस, द बुद्धिस्ट, द सिक्स. कॉमो के नेम से पहले, नेशन से पहले दी इस्तेमाल किया जाता है, द मुस्लिम्स ऑफर नमाज, इस तरह कहते हैं ना, द हिंदूस बर्न द डेड बॉडी, तो दा लगाया जाता है किसी भी कौमों, कौमियत के नाम से पहले, कौमों के नाम से पहले, नेशन से पहले. कुछ कंट्रीज़ के नेम से पहले दी लगाया जाता है, याद रखे हर कंट्री के नाम से पहले दी नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक कंट्री उनके नाम से पहले दी लगाया जाता है इंग्लिश में. पहले तो वो कंट्रीज़ जिनके नाम के लास्ट में एस आता है उनके साथ हम दी लगाते हैं, एस एट द एंड ऑफ कंट्री नेम. जिनके नाम के एंड में एस आता है उनके साथ हम दी लगाते हैं, जैसे दी वेस्ट इंडीज़ तो दा कहते हैं कि दा वेस्ट इंडीज़. इस तरह से लाओस, तो ये एक साउथ एशियन एशियन कंट्री है, लाओस, द फिलीपींस, ठीक है. इस तरह से द मालदीव्स, तो हर वो कंट्री जिसके नाम के लास्ट में एस आता है उससे पहले दी लगाया जाता है, द वेंट्स, द वेस्ट इंडीज़, द लाओस,
द मालदीव्स, इस तरह से द लाओस, द मालदीव्स, द वेस्ट इंडीज, इस तरह से द फिलीपींस, हर वो कंट्री जिनके नाम के लास्ट में एस होता है उसके साथ दी लगाया जाता है, क्लियर है? हर वो कंट्री जिसके नाम में यूनाइटेड लिखा होगा उसके साथ दी लगेगा, यूनाइटेड लिखा होगा उसके साथ दी लगेगा। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इन सबसे पहले दी लगता है, द यूएसए, द यूएई, द यूके। अच्छा, द यूएसएसआर भी हो सकता है इसमें, या कि वैसा तो ये वो मुल्क अब नहीं रहा, टूट चुका है, द यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ रशिया, ठीक है, एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। तो यूएसएसआर से पहले भी दा लगता है, यूएसए, द यूएई, द यूके, इन सबसे पहले दा लगेगा। जिस कंट्री में यूनियन आता है, अच्छा, उससे पहले भी दा लगता है। यूनियन से क्या मुराद है? दैट इज यूएसएसआर, जैसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड नहीं होता, यूनियन होता है इसमें, ठीक है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन आ जाएगा तब भी दा लगेगा। अगर किसी कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाएगा तब भी दा लगेगा, रिपब्लिक आ जाएगा तब भी दा लगेगा। जैसे पाकिस्तान से पहले तो दा नहीं लगता, आई एम रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माई होम लैंड, बट आई एम रेजिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज फुल नेम ऑफ पाकिस्तान। तो जब रिपब्लिक कंट्री के नाम में आएगा ना तो दा लगाएंगे। जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंग्लिश में द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यह दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान चूंकि आई आ गया है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम PRC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, चाइना का फुल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। एक तो PRC आप मैट्रिक के बाद बनवाते हैं डोमिसाइल के साथ, दैट इज परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है। PRC फॉर्म सी भी उसको कहा जाता है, एक फॉर्म बी होता है, भैया फॉर्म जो बचपन में बन जाता है, तो फॉर्म बी और फॉर्म सी को हम PRC कहते हैं। तो फॉर्म सी आपका PRC होता है, दैट इज परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। बट ये है PRC एक और चीज़ होती है वर्ल्ड मैप में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना आपको पता है दो मौजूद है, एक दी रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है और एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो मेन, जिसको आप लोग चाइना कहते हैं, जहाँ कम्युनिज्म मौजूद है, और एक सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। और जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम जो है वो नॉर्मली कॉमनली हम उसको कहते हैं ताइवान, ठीक है, ताइवान। तो ताइवान एक कंट्री का नाम आपने सुना होगा, ताइवान, तो ताइवान को क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना को जो है, जो हमारा चाइना जिसको हम लोग चाइना बोलते हैं, उसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चूँकि UNO के अंदर दोनों ही रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन ताइवान के नाम से कभी अपने आपको नहीं बुलाता, वो कहता हम भी चाइना है, बल्कि हम ही सही चाइना है, वो पी रिपब्लिक ऑफ, लंबी कहानी है उसकी क्यों ऐसा था, तो हिस्ट्री के जो तालिब इल्म उनको पता होगा। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि द PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द आयरिश रिपब्लिक, आयरलैंड को भी कहते हैं आयरिश रिपब्लिक। तो जब कंट्री के नाम में रिपब्लिक आ जाएगा तो दा लगाएंगे। तो याद रखो, हर कंट्री के नाम से पहले दा नहीं लगता, द पाकिस्तान नहीं होता, द इंडिया नहीं होता, द बांग्लादेश नहीं होता, ठीक है, द अफगानिस्तान नहीं हो सकता, द तुर्कमानिस्तान नहीं हो सकता, द ताजिकिस्तान नहीं हो सकता, द किर्गिस्तान नहीं हो सकता, ठीक है, द सऊदी अरबिया नहीं होता, द लीबिया नहीं होता, द अल्जीरिया नहीं होता, द नाइजेरिया, द कनाडा कुछ नहीं होता, द फ्रांस नहीं हो सकता, द जर्मनी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंट्री जिनके नाम के साथ दी लगाते हैं वो ये हैं, जिनके नाम के आखिर में ऐसा आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, यूनियन आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, इनमें से कोई, ये रूल याद रखें, क्लियर है। डेजर्ट्स के नेम से पहले दी लगाया जाता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, सहराओं के नाम से पहले दी लगाया जाता है, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट द बिगेस्ट डेजर्ट, द थर बिगेस्ट डेजर्ट पाकिस्तान, द थर डेजर्ट, द चोलिस्तान डेजर्ट इट इज़ इन बलूचिस्तान, द राजस्थान डेजर्ट इट इज़ इन इंडिया, इस तरह से द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया, तो मंगोलिया में जो डेजर्ट है दैट इज़ सहराए गोबी, द गोबी डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज, मतलब बहुत सारे डेजर्ट हो सकते हैं, द एटिकामा डेजर्ट, एटिकामा डेजर्ट चिली में, वाइट द डेजर्ट विथ वाइट सॉइल सैंड भी जिसको हम कहते हैं, कैसे रेगिस्तान जिसमें सफ़ेद मिट्टी है जिसकी, एटिकामा डेजर्ट ठंडा इलाका चिली वहाँ पर साउथ अमेरिका में, द कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, मतलब सारे यार नाम ही याद रखने, बस याद रखने डेजर्ट आएगा तो दी लगेगा, बात खत्म हो गई। अब डेजर्ट तो दुनिया में बहुत सारे, यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं है, यूरोप में जो है वो एक भी डेजर्ट नहीं है, जीरो डेजर्ट है,
इसलिए यूरोप हर तरफ आबादी भरी हुई, उसमें खाली नहीं है कहीं पे भी। माउंटेन रेंजेस से पहले दा इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ी सिलसिलों से पहले दा इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी से पहले नहीं, मैंने बताया था पहाड़ी सिलसिलों से पहले, पिछली क्लास में बात हो चुकी है। पहाड़ी सिलसिलों से मुराद जैसे द हिमालयास, इस तरह से द कराकरम, द हिंदूकश, इस तरह से द टायरोल। अच्छा, अब हर पहाड़ी सिलसिले में इसके बिगेस्ट माउंटेन्स भी होते हैं। जैसा द हिमालयास का जो बिगेस्ट माउंटेन है, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालयास। पाकिस्तान के अंदर तीनों ही माउंटेन रेंज दुनिया के सबसे बड़े लड़ाई करते हैं, और एक जगह भी है पाकिस्तान में जहाँ तीनों माउंटेन रेंजेस मिलते हैं साथ में आके, द ग्रेट हिमालयास, द कराकरम एंड द हिंदूकश, तो एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है, बहुत मतलब के मशहूर पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और पाकिस्तान में सबकी बड़ी चोटियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। हिमालय जो है वो उसकी जो नंगा पर्वत है, दैट इज़ एक्चुअली द पीक ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान। नंगा पर्वत बहुत खूबसूरत माउंटेन है, किलर माउंटेन भी कहते हैं उसको वैसे। द कराकरम, कराकरम में तो पाकिस्तान की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, द K2, ठीक है। K2 से पहले दानी लगाएंगे, द कराकरम माउंटेन, K2 इज इन द कराकरम माउंटेन रेंजेस, ठीक है। द हिंदूकश, तो अच्छा कराकरम के और भी मतलब बड़े हमारे पास जो है वो मौजूद हैं कि मतलब कराकरम में एक बहुत खूबसूरत जो है वो एक पहाड़ है, राकापोशी इसको कहते हैं, द स्नो कवर्ड माउंटेन, ठीक है। इस तरह से द हिंदूकश है, हिंदूकश माउंटेन रेंजेस। तिरचमीर इसकी सबसे बड़ी चोटी है, तिरचमीर। द टायरोल, जिसमें रजनडाइल जिसका बहाना बना के अपने भाभी को चकमा दे के गया था, टायरोल, स्विट्जरलैंड के पहाड़ी आल्प्स, ये भी स्विट्जरलैंड में। द एंडेस माउंटेन रेंजेस पेरू में, साउथ अमेरिका में, नहीं याद रखने सारे, बस माउंटेन रेंजेस से पहले दा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। दुनिया में तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, वो तो CSS जब आप करेंगे तब जाकर सारे पढ़ेंगे, अभी तो 17 ग्रेड में नहीं लगने वाले हैं ना, पहले इंजीनियर तो बनो। अब आ जाते हैं ग्रामेटिकल यूजेजेस की तरफ। ग्रामेटिकल यूजेजेस हैं, ग्रामेटिकल इस्तेमालात हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन के इस्तेमालात नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम दा इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से मुराद बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, दैट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। उससे पहले दा लगता है, जैसे शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन, तो यहाँ पर बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऑफ गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, इसलिए बेस्ट से पहले दा लगा, ठीक है ना। अभी एक्सेप्शन, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे दा को सुपरलेटिव से पहले, डोंट यूज़ दा इफ देयर इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो तो फिर हम उस सूरत में दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, माई, योर, आर, देयर, है ना, हिज, हर, ये कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, ये कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर ये आ जाए ना तो फिर दा नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं शी इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, कभी हम ये नहीं कहते कि शी इज़ माई दा बेस्ट स्टूडेंट, या यू आर माई दा बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें बेस्ट से पहले दा क्यों नहीं लगा, बिकॉज बेस्ट से पहले आ गया है माई, माई इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, मेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, सब, वो जो सारे, जब भी इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ तो फिर दा नहीं लगाते हैं। तो हमेशा रूल्स के साथ एक्सेप्शन भी याद रखें कि दी तो लगता है द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द हॉटेस्ट, लेकिन उस सूरत में नहीं लगेगा अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, योर, आवर, इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ, क्लियर है। आगे बढ़ें, पूरे पूरे रूल्स नहीं लिखने ना, आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं या उर्दू में जैसा आप लिख दें कि दिस दैट, रूल्स आपको बस याद रखने, मेरा मकसद है आप याद रखें। अगर आपको बिना लिखे याद हो रहे हैं तो दैट शुड ऑल्सो गुड, क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं, इसको एप्टीट्यूड के स्टूडेंट शाहजो नादरी लिखते हैं, कोई नहीं लिखता इसको एप्टीट्यूड में, ये पढ़ा होता है ना 4-5 क्लास से पढ़ के आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जिसका नहीं कॉन्सेप्ट है वो तो समझे ना कम से कम चीज़ों। द नाउन ऑफ नाउन, इस तरह से ये नेक्स्ट रूल है, द नाउन ऑफ नाउन, अगर द प्लस नाउन फिर ऑफ फिर नाउन, इस पैटर्न पे भी आए तो दा लगेगा। जैसे द मीट ऑफ दिस शॉप इज़ वेरी टेस्टी, वैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। जैसे वाटर, वाटर इज़ द मटेरियल नाउन, ठीक है, तो वाटर से पहले आई हैव मच वाटर इन द टैंक, तो द और नाउन ऑफ नाउन, ठीक है,
मतलब जैसे मैंने बताया था कि वाटर से पहले दा इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर या आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर नहीं लिख सकते कभी भी, बट द वाटर ऑफ दिस सी इज वेरी हार्ड ये कह सकते हैं, द वाटर ऑफ दिस टैंक इज स्पॉइल्ड, है ना, द मीट ऑफ दिस शॉप इज वेरी टेस्टी, द गोल्ड ऑफ दिस शॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर इस पैटर्न पे आए तो फिर हम मटेरियल नाउन से पहले भी दा इस्तेमाल कर सकते हैं, द डैश ऑफ डैश इज वेरी, मतलब कुछ भी इस तरह से, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है समझ रहे हो, द पार्ट्स ऑफ दिस मोबाइल आर वेरी जीनियन, तो कुछ भी इस तरह से आ सकते हैं, द नाउन ऑफ नाउन, उसका मतलब ये मटेरियल नाउन अगर आखिर में आ रहा है तो शुरू में भी आ जाए, तो जैसे गोल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, दा गोल्ड कभी भी नहीं होता, कभी भी मटेरियल नाउन से पहले दा इस्तेमाल नहीं करता, कब करेंगे जब इस पैटर्न पे आएंगे, मतलब उसमें हम किसी खास, द गोल्ड ऑफ दिस शॉप, इस दुकान का सोना, तो हम चूंकि डेफिनेट बना दे रहे ना तो दा तो लगेगा कॉन्सेप्ट में भी, डेफिनेट बना दे रहे ना उसमें, क्लियर है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी प्योर, साउथ अफ्रीका का सोना बहुत खालिश होता है, इस तरह से समझ गए इस चीज़ को, क्लियर है ये वाला रूल। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, ऑर्डिनल डेट से पहले, सिंपल सा रूल है बच्चे, आई विल गो टू हिज होम ऑन द 3rd of March। देखो मैंने नंबर्स बताए तो दो तरह के नंबर होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, ये होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर में होता है। तो जब ऑर्डिनल नंबर के लिहाज से डेट्स लिखे जाते हैं ना तो दा लगाया जाता है, हिज मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू बी सोलेमनाइज ऑन द 4th of March, द 4th of March, आवर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द 10th of July, द 10th of July, तो 10th of July, द 4th of March, द 3rd of March, दिस, तो जिस जब भी हम इस तरह से नेम्स लिखेंगे ना ऑर्डिनल नंबर में डेट लिखेंगे, द 3rd of May, तो उस दा लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डिनल डेट्स इनको हम कहते हैं, ऑर्डर पे जो लिखे जाते हैं, मई की 3rd तारीख कहते हैं ना कि जो दिसंबर की 5th तारीख, इस तरह से जब लिखेंगे, क्लियर है, सिंपल रूल, बहुत आसान रूल है। डबल कंपैरेटिव से पहले दा लगाया जाता है, डबल कंपैरेटिव किससे कहते हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव अगर एक साथ आ जाते हैं, कभी कभार एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ सकते हैं, दोनों से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच होम, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच होम, फास्टर सूनर दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तुम हासिल करोगे, तो दोनों से पहले दा आया, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊपर आप जाओगे उतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ेगी, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो यहाँ पर दा और यहाँ पर दा, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं, एक ही जुमले के अंदर डबल कंपैरेटिव आ जाए तो दोनों से पहले दा लगता है और देन नहीं लगता फिर उस चीज़ों में, देखो देन कहीं नहीं है, वरना हम समझते हैं ना कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन आता है, बिगर देन शॉर्टर देन कूलर देन लॉन्गर देन, इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि डबल कंपैरेटिव आ रहे हैं। डबल कंपैरेटिव किसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एक साथ अगर आ जाए तो दोनों से पहले दा लगता है, देन कहीं नहीं लगता, क्लियर है, ये भी बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनर, द हायर यू गो द कूलर इट इज, ठीक है। बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप, अगर एक सिंगुलर कॉमन नाउन अकेला नाउन अपने पूरे जमात की नुमाइंदगी कर रहा हो तो फिर दा लगाएंगे, और अगर नहीं कर रहा हो तो फिर आ लगाएंगे, जैसे देयर इज अ डॉग इन हिज स्ट्रीट, देयर इज अ डॉग इन हिज स्ट्रीट, आ डॉग कहाँ, चूंकि एक डॉग की बात की जा रही है, अब दुनिया के सारे डॉग को भी हम एक डॉग से बता सकते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब यह दुनिया के सारे डॉग की बात की जा रही है, तो डॉग कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन को आपने होल ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर लिया तो दा लगेगा, है ना, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक मुफीद जानवर, दुनिया के सारे गाय की बात की जा रही है, अच्छा इसको हम प्लुरल से ये बना सकते हैं फिर दा नहीं लगेगा, जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये भी करेक्ट है बिल्कुल इंग्लिश में, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, फिर दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिंगुलर लगा होगा तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन है जो पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है। एक्सेप्शन भी याद रखो, मैन इज मॉर्टल, बहुत मशहूर जुमला है, इंसान फानी है, मैन अकेला मैन है, एम एन मैन, अकेला मैन है, तो दा लगना चाहिए ना इससे पहले, एक सिंगुलर कॉमन नाउन, लेकिन नहीं लगता इंग्लिश में, द मैन इज मॉर्टल आपने कभी याद नहीं किया, आपने हमेशा बचपन से मैन इज मॉर्टल याद किया,
तो ये वाई तो मैन से पहले दा नहीं लगाएंगे, अगर से ये भी जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन की नुमाइंदगी कर रहा है कंप्लीट ग्रुप को, वरना सबके साथ दा लगाएंगे अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन अपने कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्लियर है? समझ में आ गए तीनों रूल्स? क्लियर है? परफेक्ट है बिल्कुल। एक्सरसाइज कराऊंगा क्लास के एंड में, मैं बता रहा हूँ आज, ठीक है? करना है उस वक्त सॉल्व। कॉमन नाउन डिस्क्राइबिंग, अच्छा ये आर्टिकल्स है ना, उसको आर्टिकल्स मैंने पता है इस तरह से डायरेक्टली कभी आस्क नहीं किए जाते, आर्टिकल्स स्पॉटिंग एरर में आते हैं। स्पॉटिंग एरर में 50 रूल लग रहे होते हैं, उनमें से एक आर्टिकल लग रहा होता है, पर उसमें आपको बेक वक्त आर्टिकल की गलती भी चेक करनी होती है, आपको उस वक्त उसी वक्त बेक वक्त फॉर्मेशन की गलती चेक करनी होती है, वर्ब की गलती चेक करनी होती है, कंडीशन की गलती चेक करनी होती है, प्रेपोजिशन चेक करना होता है, कंजंक्शन चेक करना होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करना होता है, डैंगलिंग मॉडिफायर चेक करना होता है, डिटरमाइनर चेक करना होता है, उसी वक्त आपको उसके अंदर जो है वो रिडंडेंसी चेक करनी होती है, सब एक साथ चेक करना होता है। ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ उसका 1% बात, क्या पता ना है एक भी सवाल स्पॉटिंग एरर में आर्टिकल से। इसलिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कंप्लीट ग्रुप से मिलकर बनती है ग्रामर के। आप बोले कि सर एक टॉपिक अगर हम कर लें तो क्या हम स्पॉटिंग एरर कर पाएंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। कि सर आर्टिकल करने से क्या 5 सवाल निकल जाएंगे स्पॉटर एरर के, नामुमकिन है। कभी कभार 5 सवाल देते ना, एक भी आर्टिकल की गलती नहीं होती उसमें से, बाकी और गलतियाँ हो रही होती हैं, आर्टिकल की भी होती हैं कभी कभार, तो आर्टिकल की गलती हो भी सकती है, तो आपको उस टॉपिक के बारे में तो आइडिया होना चाहिए ना। ये नहीं आएगा जो मैं एक्सरसाइज करा रहा होता हूँ ना यहाँ पर एंड में, वो इस तरह से नहीं आते, उसमें अभी थोड़ा और वक्त है उसको करने में, स्पॉटिंग एरर में, कि जब स्पॉट करना होगा। लेकिन पर उस लेवल तक सबको पहुंचना है मेहनत करके कैसे भी, ठीक है? घर में भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, यहाँ आके बस लेक्चर देके जाओगे तो कोई स्पॉटिंग एरर नहीं, फिर वही होगा आखिरी पेपर से एक दिन पहले बोला कि यार इंग्लिश अल्लाह हाफिज़ है, रट बस तुक्का मार देंगे, अक्कड़ बक्कड़ लगाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के जो लग गया, यही होता है जो अच्छा लगेगा भाई, यही होता है आखिरी में, आखिरी दिन बच्चा यही बोलता है। अगर ये नहीं करना है तो कॉन्सेप्ट बनाओ। बिफोर कॉमन नाउन डिस्क्राइब अर्लियर इन द सेंटेंस, ये बताया था ना, अगर जुमले में पहले ही कॉमन नाउन की निशानदेही कर दी, कॉमन नाउन के बारे में बता दिया गया है, तो पहली बार में आप दाल आ लगाओगे, उसके बाद हर बार दा लगाओगे। देखो रूल देखो, आई हैव बाउट अ सेल फोन, सेल फोन से पहले आ लगा दिया, आई हैव बाउट अ सेल फोन, मैंने एक सेल फोन खरीदा या मैं एक सेल फोन खरीद चुका हूँ फ्रॉम सदर से, देयर इज़ अ मेल फंक्शन इन द सेल फोन, लेकिन उस सेल फोन में कुछ ख़राबी है, मेल फंक्शन है, तो दा लग गया। देखो पहली बार आ लगा, अगली बार जो है वो देर इज़ अ मेल फंक्शन इन द सेल फोन, दा लग गया। तो उसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि जब आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे राइटिंग वगैरह करते हैं, तो जब इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ओपन अप कर रहे होते हैं टॉपिक को, तो आप आ लगाओगे, उसके बाद हर बार दा लगाओगे। अब आगे 10 बार आप मोबाइल लिखोगे दा लगाओगे, चूँकि शुरू में ये इनडेफिनिट था, अब ये डेफिनेट हो चुका है। जैसे द मोबाइल फोन हैज़ 5 megapixel कैमरा, द मोबाइल फोन हैज़ 32 GB मेमोरी, आई विल सेल द मोबाइल फोन टू माई फ्रेंड बिकॉज देर इज अ मेल फंक्शन इट एंड आई विल नॉट टेल हिम। तो इस तरह से क्या है कि जब हम कॉमन नाउन को पहली बार लिखेंगे तो आ, जुमले में दूसरी बार आएगा तो फिर दा, समझ में आ गया? रूलिए दूसरी बार क्या, तीसरी चौथी 50वीं बार भी आएगा एक ही ऐसे के अंदर तो दा लिखेंगे, पहली बार सिर्फ आ, ठीक है? ऐसे अगर आपने कभी लिखा है ना इस पर किसी डिस्क्रिप्टिव वैसे लिखा जाएगा तो ऐसे ही पैटर्न चलता है उसमें, है ना? I have a cat in my house and the cat is this in color, the cat is falana, the cat is jimkana, तो उस हर बार दा लगता है। छोटे में 1-2 में याद किया होगा द कैट पे, ऐसा तो ये रूल यही लगता है उसमें डिस्क्रिप्टिव बेसिस के अंदर, तो आगे बढ़ने को मुश्किल बात नहीं है। बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन, कभी कभार हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉमन नाउन क्या है? जो तमाम लोगों के लिए कॉमन हो, दुनिया में हर वो चीज़ जो एक से ज़्यादा है वो कॉमन है, ठीक है? अच्छा यहाँ मैंने रिवर्स कर दिया, सॉरी फॉर दैट, ये ऐसा होना चाहिए बिफोर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, ये ऐसा होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल कर लें, प्रॉपर नाउन क्या है भाई? जो अकेला है दुनिया में, जैसे शाहिद अफरीदी, एक ही था भाई, बूम बूम, उसके बाद तो नहीं आया दोबारा कोई दूसरा, ठीक है? आए होंगे हिटर, हार्ड हिटर से एक से एक आए, लेकिन अफरीदी नहीं आया क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, वो अकेला है। तो ठीक है, 5 मिनट वेट करें। तो प्रॉपर नाउन अगर हम कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें तो सूरत में भी हम क्या करते हैं, उससे पहले हम दा लगाते हैं। जैसे शाहिद अफरीदी, अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो तो एक था,
कि शाहिद अफरीदी वॉज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, बट अब कोई भी इंसान अगर खड़ा हो गया गली के कोने में खड़े होकर जो क्रिकेट खेल रहा है, टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा है और छः बॉल पे छः छक्के मार रहा है, नहीं युवराज सिंह नहीं होगा लेकिन वो बताओ उनको ये बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा अफरीदी है, यार ये तो, यार ये तो मेरी टीम का अफरीदी है, हिटर होता है ना, जो हिटर होता है हम बोलते हैं यार हमारी टीम का अफरीदी है, या ही इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ माई टीम, इसको आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। हिटलर एक बहुत मशहूर एक हमारा प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, हर क्लासरूम में एक हिटलर ज़रूर होता है, मॉनिटर खास तौर पे होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि ही इज़ या शी इज़ द हिटलर ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास के हिटलर है। अब देखा जाए तो हिटलर तो एक ही था, हिटलर तो एक ही था ना जो मर गया, एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर टू में, लेकिन अब कोई भी हिटलर हो सकता है अगर कोई बैठे बैठे सोचता रहे, यूँ करके सर में लगा सोचते ही रहे, तो हम क्या बोलते हैं कि यार ही इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ माई क्लास, ये तो अल्लामा इकबाल है, बोलते हैं ना अल्लामा इकबाल की तरह सोच रहा है बैठ के। अच्छा इस तरह से बहुत सारे, अगर कोई शेर व शायरी करते हैं क्लास में, यार गालिब है ये तो, यार यार ही इज़ द गालिब ऑफ माई क्लास, तो गालिब तो मर गए समान कदीम, लेकिन कोई भी इंसान गालिब हो सकता है अगर वो गालिब जैसे शायरी करना शुरू कर दे, तो ही इज़ द शाहिद अफरीदी, क्या क्या प्रॉपर नाउन को कॉमन बना दिया, अब है ना भाई, है ना, कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी जिंदा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो भुट्टो तो मर गया, लेकिन कोई भी भुट्टो हो सकता है जो उसके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, आई एम भुट्टो, आई एम मलाला, बहुत सारा क्या क्या, हाँ इस तरह मेटाफोर कह सकते हैं उसको, क्या नहीं सही है, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन, शाहिद अफरीदी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल, कॉमन कर दिया ना कोई भी बन सकता है, सही है ये एडिंग, सही हो गई, बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अच्छा ये रूल्स हैं, इसको फिलहाल दो मिनट लिखे मैं, आप मैंने बताया कॉमन नाउन को जब प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल, प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें तो दा लगाएंगे, रूल समझे आगे बढ़े। बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज अ नाउन, जब एडजेक्टिव्स को हम एज अ नाउन इस्तेमाल कर लें तब भी दा लगेगा, जब एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन इस्तेमाल कर लें तब भी दा लगेगा, जैसे एडजेक्टिव्स क्या हैं, रिच पुअर वगैरह, वैसे एडजेक्टिव्स प्रॉपर डिग्री एडजेक्टिव से पहले हम आ लगाते हैं, जैसे ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ पुअर मैन, लेकिन कभी कभार हम इस रिच को नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब एडजेक्टिव क्या होता है जो नाउन को क्लासिफाई करता है, ही इज़ अ रिच मैन, अब मैन की क्वालिटी के वो रिच है तो यहाँ रिच एडजेक्टिव है, पर कभी कभार एडजेक्टिव नाउन बन के जुमले में आके खड़ा हो जाता है, मतलब नाउन बन के खड़ा होता है नाउन की जगह पर, जैसे अमीरों को ज़कात देनी चाहिए, अमीरों को ज़कात देनी चाहिए, अब यहाँ जो रिच हो गया नाउन हो गया, अब अमीर कौन है बताया नहीं जा रहा, तो रिच खुद नाउन है, तो द रिच शुड पे ज़कात, अब आ नहीं आएगा, द आएगा, चूँकि एडजेक्टिव्स को आपने एज अ नाउन इस्तेमाल किया, द रिच शुड पे ज़कात टू द पुअर, अब पुअर से पहले भी द आया चूँकि पुअर एक एडजेक्टिव है नाउन के तौर पे आ रहे हैं, द ब्रेव शुड डू जिहाद, है ना, कि बहादुरों को जिहाद करना चाहिए, तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है द इस्तेमाल किया गया, द इंटेलिजेंट शुड टीच द स्टूडेंट्स, ज़हीन लोगों को तालिब इल्मों को पढ़ाना चाहिए, मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी एडजेक्टिव को एज अ नाउन, क्या द इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, द का स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, हाँ इस तरह से हम कहें अगर स्टूडेंट एडजेक्टिव, स्टूडेंट तो एडजेक्टिव है ही नहीं, स्टूडेंट तो नाउन है, स्टूडेंट तो ऑलरेडी नाउन है, मैं इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूँ कि द इंटेलिजेंट शुड टीच स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ रूल मैं पहले वर्ड में बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट पे बता रहा हूँ, आगे नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज द प्रॉपर नाउन द क्या, नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मैं बताता रहा हूँ, इसमें द ब्रेव शुड डू जिहाद, जिहाद इज अ नाउन, दोनों दोनों ने एडजेक्टिव आए, यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे यूज़ कर लिया कि दो बार एडजेक्टिव आ रहे हैं नाउन के तौर पर, नहीं तो एक बार भी आ सकता है, प्रॉपर नाउन प्लस द प्लस एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन द और एडजेक्टिव अगर आ जाए तो सूरत में भी आर्टिकल दी लगेगा, ये इसके मशहूर है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज अ किंग ऑफ ग्रीस, सिकंदर आजम यूनान का बादशाह था, ठीक है, असल में पहले यूनान का था फिर दुनिया के बाद में, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज
अ किंग ऑफ ग्रीस. तो अलेक्जेंडर नाउन, प्रॉपर नाउन. द और द के बाद क्या है उसकी क्वालिटी, ग्रेट. अलेक्जेंडर द ग्रेट. और भी हो सकते हैं जैसे विलाद द टेरर वॉज अ ब्रूटल किंग ऑफ रशिया. बहुत सारे इस तरह से नाम आते हैं ना कि जब आप पहले नाम आ जाए उसके बाद टाइटल आए, नाम के बाद टाइटल आए तो दा लगाएंगे दोनों के बीच में. और कोई वर्ड ऐसा हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं यार. राहुल द्रविड द वॉल वॉज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया. सचिन तेंदुलकर द लिटिल मास्टर स्कोर्ड मैनी सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल. शाहिद ये अपना शोएब अख्तर द रावलपिंडी एक्सप्रेस बोल्ड द फास्टेस्ट बॉल इन ओडीआई क्रिकेट. ठीक है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं. पहले नाम आ जाए अगर उसके बाद उसका टाइटल आ रहा ना कोई तो दा लगाएंगे दोनों के बीच में. लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट सबसे मशहूर है इसमें, सिकंदर आजम. क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन द, फिर उसका एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में तब टाइटल उसका कोई भी. ठीक है, क्लियर है सारे ग्रामेटिकल यूजेज इसमें? क्लियर है भाई सबको? ओके, ये सारे दा के इस्तेमाल मैंने आपको बताया, ग्रामेटिकल यूजेज इसमें सारे बताएं स्लो मैनर में. अच्छा, इस एज पर जाकर जब तुम सुन लोगे ना मुझे क्लियर हो जाएगा. छोटे बच्चों को ना 9-10 में प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि एक वो बनाने के बाद एक रूल बताते हैं, 10 जुमला कराते हैं. आपकी एज में ना अगर आप सिर्फ सुन भी ले रहे हो ना मुझे सही से, काफ़ी है इतना. ठीक है, बस रिव्यू करा रहा हूँ, जस्ट रिव्यू. ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल्स कब ओमिट किए जाते हैं, आर्टिकल्स कब नहीं लगते. कभी कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, जीरो आर्टिकल कहते हैं, क्रॉस लगता है. अब वो कहाँ कहाँ लगेगा? लोगों के नामों से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता. माय नेम इज़ नसीम, योर नेम इज़ वासिल. नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. लगेगा कब? जब प्रॉपर नाउन को आप एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल करें. प्रॉपर नाउन को आप एज अ कॉमन नाउन, दा शाहिद अफरीदी, दा हिटलर, दा गालिब, दा लामा इकबाल, बताया भी. ठीक है, नेम ऑफ टाउन, सिटी, कंट्री, इन सब से पहले कोई दा इस्तेमाल. शहरों के नाम से पहले कभी दा इस्तेमाल नहीं करते हैं. कंट्री के नाम से पहले दा इस्तेमाल करते हैं कुछ, एस, यूनियन, रिपब्लिक और यूनाइटेड, बता दिया ना. प्रोविंसेस के नाम से पहले कभी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक प्रोविंस के नाम से पहले आर्टिकल इस्तेमाल होता है, दा, पंजाब. जब उसको किसी सूबे को उसका नाम उसकी खास प्रॉपर्टी की वजह से दिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दिया जाए तो दा लगेगा. जैसे दा पंजाब, और दा क्यों कहते हैं, जो पांच दरिया बहता है उसमें, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. स्टेट्स के नेम से पहले कभी कोई दा नहीं लगता. स्टेट्स वैसे नॉर्मली इंडिया में और अमेरिका में स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंस होता है, इंडिया में स्टेट होते हैं, है ना. जैसे यूपी इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया, वो प्रोविंस नहीं लिखता. इस तरह अमेरिका में भी स्टेट्स होते हैं. स्टेट और प्रोविंस में फ़र्क ये है ना कि स्टेट को ज़्यादा इख्तियार हासिल होता है प्रोविंस से. प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में चलता है. प्रोविंस है ना, प्रोविंसेस फेडरल ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस दिखाएगी, लेकिन जो स्टेट्स होते हैं ना उनमें फेडरल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता. जैसे महाराष्ट्र एक इंडिया का स्टेट है, तो वो अपने तमाम फैसले पे जो है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. उनको मोदी की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसके फैसले को माने. इस तरह से अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन जो है उसका अभी फ़िलहाल प्रेसिडेंट है. लेकिन वो सारी दुनिया के मामला तो देखेगा जो बाइडेन, लेकिन स्टेट के अपने मामला, स्टेट के अपने गवर्नर्स देखेंगे. जैसे कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया अगरचे एक सूबा है अमेरिका का, लेकिन उसके अपने अपना उसका अपना झंडा है, उसका अपना एंथम है, उसके अपना मोटो है, उसका अपना लोगो है, उसके अपने पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ तक उसका अपना है. तो स्टेट जब बनता है ना कोई, तो उसको ज़्यादा ऑटोनोमस स्टेट दे दी जाती है. ऑटोनोमी मतलब ज़्यादा खुद मुख्तारी दे दी जाती है. प्रोविंस में ये खुद मुख्तारी नहीं होती है, फेडरल आपके अंडर में होता है. अमेंडमेंट करके लाई गई 18th अमेंडमेंट, वो नहीं थी वरना, वो थोड़ी सी दी है, वो भी 18th तरमीम में दी है, वरना वो भी नहीं मिलती. अच्छा, तो टाउन से, सिटी से, कंट्री से पहले दा नहीं लगाएंगे नॉर्मली. प्रोविंस और मतलब स्टेट्स और कॉन्टिनेंट से पहले दा नहीं लगाएंगे. कुछ कंट्री के नाम के साथ दी लगा सकते हैं, कुछ प्रोविंस के नाम के साथ दी लगा सकते हैं, जैसे पंजाब मैंने बताया. क्लियर है? नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन से पहले दा नहीं लगता, बता चुका हूँ, दो बार बता चुका हूँ. K2 उस तरह से बस सिर्फ डायरेक्ट होगा, कोई भी नहीं. माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, डायरेक्ट लगेगा, दा नहीं लगेगा. झीलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं. किंझर लेक, आई एम गोइंग टू किंझर लेक, आई एम गोइंग टू करली लेक, दा करली लेक, दा किंझर लेक नहीं हो सकता. झीलों के नाम से पहले दा इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेक बाइकाल रशिया में, लेक बाइकाल.
ठंडा है बहुत, यस सबसे गहरा झील है दुनिया का लेक बाइकाल। मटेरियल लॉन्च से पहले बताया ये बड़ा एक, हाँ ये थोड़ा आप लोग शायद परेशान हो रहे हैं यहाँ देखकर, कैस्पियन सी देखकर परेशान हो रहे हैं बच्चे। कैस्पियन सी आप बोलोगे सर ये तो दाल लगेगा समंदर है, रूल में लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। एक्सेप्शन की बात अगर हम करें ना, कैस्पियन सी इज़ नॉट अ सी, इट इज़ अ लेक। कैस्पियन सी दुनिया का वाहिद झील है जिसके नाम में समंदर लग, जिसके नाम में सी लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है सर, जब झील है तो सी क्यों लगा हुआ नाम के साथ? चूँकि ये मिसनोमर भी कह सकते हैं, लेकिन असल मिसनोमर ही है ये। असल में देखा जाए ना तो ये टर्की वगैरह के आसपास है कैस्पियन सी। शुरू में जब ये डिस्कवर किया गया था ना तो ऐसा लग रहा था ये समंदर है, चूँकि बहुत बड़ा था साइज़ में, तो इसीलिए उसको कह दिया गया भाई ये कैस्पियन सी है। बाद में जाकर जब मैप्स वगैरह दुनिया के बने तो पता लगा नहीं यार ये तो चारों तरफ से क्लोज है, मतलब झील है ये तो। लेकिन तो इस वजह से इसको कैस्पियन सी नाम इसका छोड़ दिया गया, इसका नाम चेंज नहीं किया गया। तो वरना ये है झील कैस्पियन सी, वाहिद दुनिया का मतलब झील है जिसके नाम के साथ सी लगा हुआ। अब अच्छे अच्छे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर कैस्पियन सी में, मैप देखना घर जाकर कैस्पियन सी तो वो चारों तरफ से इनक्लोज है। तो टर्की में है ये, टर्की और रशिया से बॉर्डर मिलता है इसको। मटेरियल लाउन मैंने बताया दाग, कोई मटेरियल लाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, गोल्ड वाटर वी आइस किसी से पहले नहीं। हाँ इस्तेमाल कब हो सकता है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ वेरी प्योर, द नाउन ऑफ नाउन में वो पीछे बात कर चुका हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। लव हैट्रेड पेन कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल, पेन या ही इज़ फीलिंग अलॉट ऑफ पेन, दा पेन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पता है ना, हर वो चीज़ जिसको देख ना सकें, छू ना सकें, सिर्फ फील कर सकें, महसूस कर सकें, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत बेसिक नॉलेज है बेटा, तो उसको आप खुद समझें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ होती है। वैसे हम उसको ऐसा नाउन जिसको आप देख छू ना सकें, सिर्फ फील कर सकें, लव हैट्रेड इस तरह से आप फ्रेंडशिप कह लें, इस तरह से आप ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया भी था कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज़ जो है यूट्यूब पर मेरे मौजूद है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। अगर आपको इससे ज़्यादा बेसिक्स में मसला आता है, पिछले लेक्चर में भी बता रहा था, तो फिर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के लेक्चर्स को आप वॉच करें स्टार्ट से। 48 लेक्चर्स उसमें टोटल हैं, 48 घंटे के लेक्चर उसमें बेसिक्स बनाने के लिए, ABC भी जिसको नहीं आती उसके लिए, जिसको आती है तो वो एप्टीट्यूड में मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। वो मैंने अपलोड कर दिया कि आप घर में जाकर खुद देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से पूरी लिस्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेना जाकर, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिटेल नहीं पाता, आधे घंटे का लेक्चर है पूरा इसमें, ठीक है। बिफोर मील टाइम, खानों के औकात से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच हाई टी डिनर सपर कोई आर्टिकल नहीं। ही हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर डिनर, द डिनर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिनर लंच ब्रेकफास्ट इन सब से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, शी इज़ अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग उर्दू, शी इज स्पीकिंग रशियन, ही इज स्पीकिंग जर्मन। लैंग्वेजेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना ए ना एन ना दे, कोई आर्टिकल नहीं लगता। हाँ एक सूरत में लग सकता है, एक्सेप्शन लिखा होगा, अगर लैंग्वेज भी लिखा हुआ आ जाए, अगर लैंग्वेज के नाम के साथ, जैसे इंग्लिश तो है बट द इंग्लिश लैंग्वेज, चैप्टर भी था फर्स्ट टाइम एक, द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश बट आई एम अ टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट आई एम स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश से पहले तो कुछ नहीं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज से पहले था, क्लियर है, बहुत माइनर रूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश से हाँ, उर्दू से पहले कुछ नहीं, उर्दू लैंग्वेज से पहले था, सिंधी से पहले कुछ नहीं, सिंधी लैंग्वेज से पहले था, क्लियर। ये साइंस नहीं है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ बैठ के यहाँ पर, ये ग्रामर है, इसमें क्रैम करना पड़ेगा रूल्स को आपको, उसमें रट्टे लगाने पड़ेंगे रूल्स को आपको, ऐसा है तो है, क्यों है ये सवाल कोई ना करे, ये लैंग्वेज है, ज़बान है, ये ऐसी बनती है, ठीक है। बिफोर डेज या मंथ से पहले कोई आर्टिकल नहीं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जनवरी फरवरी मार्च कोई आर्टिकल नहीं। स्पोर्ट्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, द क्रिकेट या आ क्रिकेट नहीं हो सकता, फुटबॉल सॉकर कोई नहीं। वर्ब या एडवर्ब से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, आई एम टीचिंग यू कभी नहीं बोलता, आई एम आर टीचिंग यू, आई एम द टीचिंग यू, ये कौन सा अजीब सा जुमला लग गया। एडवर्ब से पहले कोई इस्तेमाल नहीं होता आर्टिकल, एडवर्ब कोई जस्ट स्लोली, शी इज़ वॉकिंग आज स्लोली या शी इज़ वॉकिंग द स्लोली, नहीं। एडवर्ब से पहले ना और वर्ब से पहले भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। याद रख लें, लोगों के नाम से पहले ज़मीनी खत्ते जितने भी हैं
पानियों के ज़्यादातर इलाकों के नाम से पहले दी लगता है, लेकिन ज़मीन के ज़्यादातर जो जगह हैं, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, प्रोविंस, टाउन, इन सबसे पहले दा नहीं लगता, पहाड़ से पहले दा नहीं लगता, झील से पहले दा नहीं लगता, मटेरियल नाउन से पहले दा नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा नहीं लगता, खानों के अवकाश से पहले दा नहीं लगता, सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगता, लैंग्वेज से पहले दा नहीं लगता, महीने दिन के नाम से पहले दा नहीं लगता, खेलों के नाम से पहले दा नहीं लगता, और किसी वर्ब और एडवर्ब से पहले दा नहीं लगता। क्लियर है? और भी रूल हो सकते हैं तो बच्चे, ये रूल इतने हैं जो लाजमी पता होने चाहिए, और भी होते हैं यार, एक दो रूल नहीं होते भाई, बहुत रूल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये मैं सिर्फ कुछ सिंपल रूल्स जो एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो स्पोर्टिंग एरर में आ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, एक्सरसाइज कर लेते हैं यार थोड़ी सी, तो 10 मिनट बाकी है, ठीक है, आगे बढ़े ना, जिसको आप लिख लेना स्लाइड से भाई, ठीक है। चलो आप कुछ ब्लैंक्स फिल करते हैं, देखते हैं कितने एक्सरसाइज कर पाते हैं, काफ़ी सारे एक्सरसाइज मैंने जमा किए हैं। वी वर गोइंग टू लेक बाइकाल, क्या आएगा? क्रॉस आएगा, ठीक है, साथ साथ रिस्पॉन्स करें आप, काम जितना पढ़ा है दो क्लास में समझो आप। आई हैव परचेज डैश न्यू हाउस, आ न्यू हाउस, देयर आर थ्री रूम्स इन डैश हाउस, द हाउस, चूंकि यहाँ पर कॉमन नाउन को डिस्क्राइब अर्लियर वाला रूल है। आई हैव परचेज डैश डॉन न्यूज़पेपर एंड डैश एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, वैसे याद रखो यहाँ एक्सेप्शन एक है, डाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, डॉन नहीं, डॉन दुनिया का वाहिद अखबार है जिससे पहले दा नहीं लगता, क्यों? डॉन अखबार किसने फाउंड किया था? काजी आजम ने, तो उन्होंने दा नहीं लगाया था, तो उनके एजाज़ में हम भी नहीं लगाते, ठीक है, तो उनकी गलती भी हमारे लिए है कि हम उन गलती को दोहराते हैं बार बार, कि डॉन न्यूज़पेपर लिखा होता है, द डॉन नहीं होता, ठीक है, डॉन से पहले दा नहीं लगता, लेकिन एक्सप्रेस से पहले दा लगेगा, बाकी हर अखबार से पहले दा लगेगा, क्या गलत है ना, नहीं लगाना चाहिए डॉन न्यूज़पेपर, बस मतलब आप कह रहे थे कैजम ने गलत लगा दिया, नहीं कैजम ठीक है, रूल नंबर ए कैजम इज राइट पाकिस्तान में, रूल नंबर बी इफ कैजम इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर ए, पाकिस्तान है भाई, आप क्या कर सकते हैं। चलो, वी प्लान टू विजिट डैश हिमालयास, द हिमालयास, एंड इंटेंट टू क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट, ये माउंटेन रेंज है, ये सिंगल माउंटेन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, आज पहला रूल तो आसानी है, सब बना लेंगे, सही मजे आ रहे बड़े। चलो, आई हैड डैश केमिस्ट्री, क्रॉस, आई लव डैश इंग्लिश लैंग्वेज, आई विजिटेड माई अंकल्स होम, रिलेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते कोई भी, रिलेशन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, अंकल आंट इस तरह से, मदर फादर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, शी इज़ माई मदर, बस इस तरह से कहते हैं ना। ही लिव्स इन लाहौर, क्रॉस, सिटी है। उसामा इज माई डैश बेस्ट फ्रेंड, क्रॉस, चूँकि माँ ही आ गया पॉसेसिव। ही लिव्स इन डैश नैदरलैंड्स, द नैदरलैंड्स, ऐसा आ रहा है लास्ट में, नैदरलैंड्स, क्या बात है यार, दोनों समझ में आ गया। डैश स्लोवर यू राइट, द डैश मोर, द स्लोवर यू राइट, द मोर टाइम इज वेस्टेड, डबल कंपैरेटिव। माय रिंग इज मेड अप ऑफ डैश गोल्ड, क्रॉस गोल्ड, चूँकि यहाँ पर ये जैसे एक मटेरियल ना होने, क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत ईजी है, इसमें क्या है, सारे सही बताया तुमने, अरे अभी बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सब्र करो। आई इरफान इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग नॉवेल, एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, मैंने बताया था एडजेक्टिव आ गया, ये एडजेक्टिव से पहले आ या एन लगता है। इरफान एक दिलचस्प नॉवेल की किताब पढ़ रहा है, रूल फेल हो गया। इज दिस डैश बुक यू विश टू बाय, इज दिस द बुक यू विश टू बाय, क्या यही वो किताब है जो तुम खरीदना चाहते थे, स्पेसिफाई कर रहे हैं, डेफिनेट हो गया, ये खास बुक की बात कर रहे हैं ना, दो गलत हो गए दोबारा। डैशर एन एपी लाडे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो सिंपल है। आई हैव ओपन डैश हाउस फॉर डैश हाउस, आ हाउस, फॉर डैश सिक एंड डैश पुअर, फॉर द सिक एंड द पुअर, क्योंकि एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन, सिक यहाँ पर कंप्लीट बीमारों से कहा जा रहा है, द सन सिंपल, वेरी सिंपल, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन। डैश हार्डर यू वर्क डैश मोर एफ, डबल कंपेरेटिव, परफेक्ट। विच इज डैश मोस्ट प्रीशियस मेटल, द मोस्ट इन डैश वर्ल्ड, द वर्ल्ड, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है ना, वर्ल्ड प्लेनेट है। ही मेट विथ डैश एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, डैश ईयर अगो, आ ईयर अगो, इट इज नॉट एयर, इट इज ईयर,
यस है ईयर आ ईयर अगो ईयर नहीं होता है एक साल 10 years old बताओ 10 साल का है ही इज 10 years old नॉट 10 years old हम लोग बोलते हैं 10 year old का है एयर कुछ नहीं एयर तो हवा है एयर तो कान है जैसे ईयर 5 years old वो बोलते हैं ऐसा ना लगता है एयर बोले 5 years 10 years तो वो वाई को ये का साउंड पे आ रहा होता है ठीक है तो ईयर बोलेंगे तो क्या आ आ ईयर अगो एन ईयर अगो कभी नहीं पढ़ोगे आप आ ईयर अगो एक साल पहले तो वाउल साउंड नहीं है कॉन्सोनेंट साउंड है यास्मीन इज लीडिंग डैश अनहैप्पी लाइफ एन अनहैप्पी लाइफ इवन दो शी मैरिड डैश मैन शी लव द मैन शी लव खास इंसान की बात की जा रही है डैश रावी इज जनरली इन फ्लड रावी क्या है दरिया है तो क्रॉस का लगेगा दा लगेगा द रावी इज जनरली ऑन फ्लड ऑन डैश मंथ ऑफ जुलाई ऑन द मंथ ऑफ द नाउन ऑफ नाउन द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका द मंथ ऑफ जुलाई द मंथ ऑफ सेप्टेंबर रूल बताया तो था पोएट्री इज डैश आर्ट एन आर्ट एक फन है शायरी द फैमिली वॉज एट डैश लंच व्हेन आई रीच्ड क्रॉस लंडन इज सिचुएटेड ऑन थेम्स दरिया का नाम है थेम्स द थेम्स रोज इज डैश मोस्ट ब्यूटिफुल द मोस्ट ब्यूटिफुल शी ओन्स डैश बफेलो आ बफेलो डैश ऑक्स एन ऑक्स डैश डॉग आर डॉग वी वेंट टू डैश रशिया क्रॉस लगेगा यूएसएसआर होता तो दा लगाते हैं लास्ट वीक एंड डाइव इन डैश कैस्पियन सी क्रॉस एक्सेप्शन है झील का नाम है ये कैस्पियन सी कमिंग फ्रॉम डैश उराल माउंटेन रेंजेस डा जुराल माउंटेन रेंजेस ये ठीक है फिल्मागे एक्सरसाइज टू ठीक है इस रूल समझ जाओगे ना तो मसला नहीं रूल्स के बिना बनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर सब तुक्का ही लग रहा होगा कहीं पे भी दा लगा दो कहीं पे भी आ लगा दो लेकिन रूल्स हैं क्या साढ़े तीन गलत में चलो बिटाओ उसको घर जाके एक और बार इसको सॉल्व कर लेना स्लाइड के थ्रू ठीक है आंसर्स में सेंड कर दूंगा उसको देख लेना उसमें चलो ठीक है थर्ड एक्सरसाइज है ग्रेगरी इज वन ऑफ डैश स्ट्रेंजेस्ट पीपल आई नो द चुके सुपरलेटिव आई कांट बिलीव आई फेल डैश यस्टरडेज टेस्ट क्रॉस डेज है ये मंडे मतलब टुडे टुमारो टू नाइट यस्टरडे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता पांडास एंड डैश टाइगर्स आर बोथ इनडेंजर्ड एनिमल्स क्रॉस द पांडा एंड द टाइगर अगर होता तो दा लगता प्लूरल लगा देंगे तो क्रॉस लगाएंगे तो दो तरीके हैं द पांडा एंड द टाइगर करके बनाया जा सकता था या पांडास एंड टाइगर्स करके बनाया जा सकता है सिंगुलर नाउन डिनोटिंग होल ग्रुप से पहले दा लगता है और डायरेक्ट प्लूरल बताया था डॉग इज अ फेथफुल एनिमल बट डॉग्स आर फेथफुल एनिमल तो वो हलरू लगा ठीक है बॉर्न होम को जगह है इस डैश आइलैंड इन द बाल्टिक सी एन आइलैंड एक जजीरा है बाल्टिक सी में आई हैव नेवर सीन डैश यूएफओ यूएफओ कोई कंट्री नहीं है भाई है कंट्री नहीं है बच्चे सब किसी मुल्क का नाम है यूएफओ के फुल फॉर्म क्या है उड़न तश्तरी को बोलते हैं ना यूएफओ यूएफओ सीन इन द स्काई ब्रेकिंग न्यूज उड़न तश्तरी क्या होता है यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसको हम लोग कहते हैं यूएफओ उड़न तश्तरी छोटे से सुनते आ रहे हैं एलियन जिसमें खलाए मखलूक आते हैं एनर्जी कैंडी ठीक है तो यूएफओ अरे सुनो तो सही यूएफओ कोई चीज़ है ना एब्रीवेशन है आ लगेगा या एन लगेगा यूएफओ साउंड चेक करो एन कहाँ से लगेगा आ लगेगा ये का साउंड आ रहा है पिछले क्लास में आए थे तुम बैठे रहो इज डैश नाइल रिवर है ना इज द नाइल और डैश अमेजन दरिया अमेजन भी द अमेजन डैश लॉन्गेस्ट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन डैश अर्थ सब में दा आया इसमें द इज द नाइल और द अमेजॉन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स हो गए ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया ये आपका प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट हो गया सारे रूल्स पे चल रहे ठीक है क्लियर है तो याद रखो कभी भी तुक्का मार के नहीं लगाओ रूल्स बताओ मैं बता रहा हूँ इससे पहले दा लगा दो सेट रूल मुझे पता है मैं नाम लूंगा रूल का ही रूल यहाँ पर लग रहा है और ये रूल सारे मैंने बता दिए अभी लाइन से सीरीज में तभी इतना टाइम लगा ना भाई वरना 5 मिनट का भी नहीं होता आर्टिकल नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं डैश माउंट एवरेस्ट
इज द हाइएस्ट माउंटेन, क्या होगा पहले वाले में? क्रॉस होगा. इन डैश वर्ल्ड, द वर्ल्ड तो बहुत बार आ चुका. वी लिव्ड इन डैश नेदरलैंड्स, द नेदरलैंड्स बिफोर मूविंग हियर. अच्छा, शी लिव्स इन डैश इंग्लैंड, क्रॉस इंग्लैंड. विच इज पार्ट ऑफ डैश यूके, द यूके. इंग्लैंड इज इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द यूके. डैश हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्रॉस सब्जेक्ट आ गया, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बट वॉट आई लाइक मोस्ट इज डैश हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द नाउन ऑफ नाउन, द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, द नाउन ऑफ नाउन वाला रूल. ठीक है. म्यूनिख, म्यूनिख जर्मनी का शहर है. लाइस इन डैश साउथ ऑफ जर्मनी, द साउथ ऑफ जर्मनी डायरेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट्स डैश कैपिटल ऑफ योर कंट्री, व्हाट्स द खास कैपिटल की बात है, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ योर कंट्री. क्लियर है? आ रहे समझ में आ रहा. डैश डॉक्टर अर्न्स मोर देन डैश टीचर, क्या आएगा? कौन कंपैरेटिव? अच्छा, मोर देन नहीं, ये देखो सिंगल कंपैरेटिव है, डबल कंपैरेटिव का है. सिंगल कॉम्परेटिव, सिंगल कॉम्परेटिव आए तो उसका एडजेक्टिव में बस इतना रूल है, उसके बाद देन लगाओ, उससे पहले कुछ ना लगाओ. ये सिंगल कॉम्पर, डबल कॉम्परेटिव में दोनों से पहले दा लगता है, ये डबल कॉम्परेटिव थोड़ी ना है. डॉक्टर अर्न्स, डॉक्टर टीचर से ज़्यादा कमाते हैं. ठीक है, बात तो सही है लेकिन लगाना इसमें ऑप्शन है. ठीक है यार, देखो अ डॉक्टर, सॉरी एन एपिल अ डे कीप्स अ डॉक्टर, इस तरह से तो हम कहते हैं ना, वो तो अलग चीज़ है. यहाँ पर डैश डॉक्टर किसी इनडेफिनेट, किसी खास डॉक्टर की बात नहीं की जा रही है. हर डॉक्टर हर टीचर से पहले कमाता है. हाँ, इनडेफिनेट है. क्या डॉक्टर ओहदा नहीं होता, डॉक्टर प्रोफेशन है, जैसे टीचर एक ओहदा नहीं है. आर डॉक्टर अर्न्स मोर देन अ टीचर, एक उस्ताद एक टीच, मतलब एक डॉक्टर एक टीचर से ज़्यादा कमाता है. इनडेफिनेट है ना, किस डॉक्टर की बात करें हम नहीं जानते, तो आ आएगा यहाँ पर. अब आप बोलोगे सर ये कॉमन नाउन है रिनोटिंग होल ग्रुप, बच्चे ये भी बोलते हैं. वो जानवरों के लिए अलग के बंदे है, द डॉग द काओ, इसके लिए वो पुरुष, इसके लिए नहीं है. द डॉग द काओ द पैरट, इसके लिए होता है, वो इंसानों के लिए नहीं होता है, वो प्रोफेशंस के लिए. ठीक है, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन के लिए बस मैन इज मॉर्टल, मैन से पहले नहीं लगता था. हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले, जानवरों के लिए वो रूल है, एनिमल्स के लिए, इंसानों के लिए नहीं है वो रूल. बस मतलब कॉमन सी बात है कि वो मैंने स्पीशीज लिख लो वहाँ पर उसको, वो स्पीशीज के लिए है. हैव यू सीन डैश न्यूज़पेपर? आई कांट फाइंड इट एनीवेयर. डन, कोई खास अखबार की बात कर रहे हैं जो नहीं मिल रहा उसको. वी नोटिस डैश स्ट्रॉन्ग स्मेल, हम आ स्ट्रॉन्ग स्मेल कमिंग फ्रॉम डैश रेफ्रिजरेटर, द, चूँकि खास रेफ्रिजरेटर की बात करें.